पड़ गई कलेक्ट्रेट पे ताला लगाने की और गन्ना डालने की। हमने ताला कहाँ लगा, इन्होंने अंदर नहीं जान दिए, इन्होंने गेट बंद कर रखे, हमने तो नहीं कर रखे, हम तो अंदर जाना चाहते थे, ये जान देते। देखो गन्ना लेकर किसान आपको अफीम तो लेकर आया नहीं यहाँ पे कि अफीम की खेती किसान कर रहा और उसको अवैध तरीके से बेचे। शुगर फैक्ट्री चल जानी चाहिए, शुगर फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारा भुगतान नहीं दिया पिछले साल का, तो ये तो गुंडागर्दी हो रही पुलिस प्रशासन की और मिल वालों की। मतलब किसान ही सफर करेगा क्या इसमें? हमारा 125 करोड़ रुपया तो मूल बाकी है, उसके बाद में हमारा इंटरेस्ट बाकी है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की करें तो 12000 करोड़ रुपया आज भी किसानों का बकाया है। तो ये जो आपका धरना प्रदर्शन है अनिश्चितकालीन का, ये कब तक रहेगा? ये तो क्या पता कब तक रहेगा, ये तो फैक्ट्री चलेगी, उनका इंडेंट कटेगा, हमारे पैसों का भुगतान होगा। किसी अधिकारी ने अब तक आपसे बात की? कर रहे हैं, ये बहुत जगह जिलों में चल रहा है, तो कुछ जगह तो जैसे गन्ना लेकर किसान आए तो उनका शुगर फैक्ट्री में गन्ना तुलवाया, बहुत जगह इंडेंट जारी कर दिया, बहुत जगह ये धरना शुरू हो गए। ये 29 और 30 तारीख के धरना पूर्ण रूप से सड़क पर हाईवे पर जाएगा। प्रशासन को ये 3-4 दिन का टाइम है, शुगर फैक्ट्री चालू कर दे, इंडेंट जारी करवा दे, जो हमारा भुगतान है वो दिलवा दे, नहीं तो ये आंदोलन अब सड़क पर होगा। तो कल से नहीं आएंगे अवधिकारी? कल से गेट नहीं खुलेगा? अगर ये गेट खुलेगा तो भाई गेट खुलेगा तो किसान पहले बैठा हुआ है ना, ये पहले अंदर जाएगा तो दूसरे लोग इसके बाद में चले जाएंगे। अगर अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो ये गेट बंद रहेगा? और गेट तो बंद है ही, गेट पर तो बैठे हुए।